जिस नाव पे बैठा मैं, जर जर है पुरानी है, कहीं डूब ना जाऊं प्रभु, तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जर जर है पुरानी। संसार तो सागर है, सागर बड़ा गहरा है, मोह माया के मोती है, रंग जिनका सुनहरा है, लालच में फंसा मन कहे, तुम्हें डुबकी लगानी है, लालच में फंसा मन कहे, तुम्हें डुबकी लगानी है, कहीं डूब ना जाऊं प्रभु, तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जर जर है पुरानी है, पतवार है स्वार्थ की, मेरे हाथों नहीं संभले, तूफान है तानों के, मेरे नेकी के बदले, है दुख के भंवर में फंसी, तुम्हें पार लगानी है, दुख के भंवर में फंसी, तुम्हें पार लगानी है, कहीं डूब ना जाऊं प्रभु, तुम्हें ना बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जर जर है पुरानी है, कहीं डूब ना जाऊं प्रभु, तुम्हें ना बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जिसका तू मांझी है, वो डूब नहीं सकता, भव पार लगे नैया, मिल जाता है रस्ता, चौखाने की अर्जी पे करुणा बरसानी है, गौतन की अर्जी पे करुणा बरसानी है, कहीं डूब ना जाऊं प्रभु, तुम्हें ना बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जर जर है पुरानी है, कहीं डूब ना जाऊं प्रभु, तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं।
बुद्धि के द्वारा हम ऐसी सुखद यात्रा करें जिससे भगवान से मिलन हो जाए और उनसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सकें। देह से न्यारे बन आत्म स्थिति का अनुभव करें। इस शरीर रूपी डिब्बी में मैं चमकता हुआ एक हीरा विराजमान हूँ। भ्रकुटी के बीच मैं आत्मा रूपी हीरा हूँ, चमक रहा हूँ। शरीर रूपी रथ में मैं आत्मा रूपी रथी विराजमान हूँ। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। ये देह की इंद्रियां मुझ आत्मा की सेवक है। मुझ आत्मा ने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए हैं।
अनेक अभिनय किए, अनेकों से संबंध जोड़ा, अब मुझ आत्मा को सर्व संबंध एक से ही जोड़ने हैं। एक को ही याद करना है, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है, मेरे कल्याणकारी शिव बाबा हैं, उनसे ही मुझ आत्मा के सर्व संबंध हैं। उनसे ही मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों की प्राप्ति करती हूँ। एक एक गुण की गहराई में चले जाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। अति शांत हूँ, शांति की शक्ति मुझ आत्मा में विद्यमान है। शांति मुझ आत्मा का निजी स्वभाव है।
शांति का गुण मुझ आत्मा में निहित है। मन केवल शांति के विषय में सोचिए। मुझ आत्मा का धाम शांति धाम है। जहां सर्वत्र शांति ही शांति है, मेरे चारों ओर शांति का वातावरण है। मैं आत्मा शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। शांति के स्रोत शिव बाबा के सन्मुख हूँ। शांति की किरणें शिव बाबा से प्रकट होकर मुझ आत्मा को श्रागूल कर रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूँ। शांति की शक्ति मुझ आत्मा को
अत्यंत हल्का बना रही है। एक ही गुण की गहराई में चले जाएं। शांति की शक्ति मुझ आत्मा को संपन्न बना रही है। मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ। अति शुद्ध हूँ। परम पवित्र बेदाग हीरा हूँ। शिव बाबा के साथ हूँ। उनकी छत्र छाया में हूँ। मीठे बाबा आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा तो धन्य हो गई। मैं आत्मा भरपूर हो गई। शक्तिशाली हो गई।
कितनी निरसंकल्पता। कितनी न्यारी अवस्था। कैसी प्यारी स्थिति है ये। मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ। माया जीत हूँ। इंद्रिय जीत हूँ। अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। यह परमानंद की अवस्था तल्लीनता की अवस्था
शांति की किरणें शिव बाबा से प्रकट होकर मुझ आत्मा को धन्य कर रही है। मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ। भरपूर हो गई हूँ मैं। शक्तिशाली हो गई हूँ। कितनी निरसंकल्पता कितनी न्यारी अवस्था। कैसी प्यारी स्थिति है ये। मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ। माया जीत हूँ। सर्व गुणों से संपन्न हूँ। सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। आनंद मैं हूँ। ओ शांति शांति शांति।
जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हो जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान गगन दूर हो जाए जमी चाहे सागर में धस जाए। गगन दूर हो जाए जमी चाहे सागर में धस जाए। तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए पाव न रुकने पाए। हो जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान जिसके शीश पे हाथ हजारों छू न कोई पाएगा। जिसके शीश पे हाथ हजारों छू न कोई पाएगा। हरि नाम से ये पर्वत भी तिनका बन जाएगा धूल में मिल जाएगा। हो जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान भक्त और हरि का बंधन तो यूं दीपक और बाती। भक्त और हरि का बंधन तो यूं दीपक और बाती। उसी ज्योत से ये जलती है उसमें ही मिल जाती देह अमर हो जाती। हो जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हो जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हो जिसका साथी है भगवान।